हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी महिला शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से ना केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ द मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नाम से भी बुलाते थे। इन्हें हम बतौर सिंगर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी मेहनत और सफलता के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में गिनी जाने वाली लता मंगेशकर के पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह से एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज़। हेलो दोस्तों, मैं हूँ करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं सोशल पंचायत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनकी माँ का नाम शिवंती मंगेशकर था। शायद आपको पता नहीं होगा कि लता मंगेशकर जी का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर उनके पिता ने अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। लता जी 5 साल की उम्र से ही अपने पिता के म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया और स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो अपने घर पर अपने पिता से गाना सीखती थी और स्कूल में जाकर बच्चों को भी सिखाती थी। अक्सर लता जी अपने पिताजी के शिष्यों को और उनके गलतियों को पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी, और ये सब देखकर उनके पिता जान चुके थे कि ये हीरा तो अपने घर में ही है। उसके बाद उन्होंने लता जी को अच्छी ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी, तब हार्ट डिजीज की वजह से उनके पिता के मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पर इनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई थी, क्योंकि अपने भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। और इस मुश्किल समय में लता जी के पिता के मास्टर विनायक ने उनके परिवार की बहुत मदद की, और उन्होंने ही लता जी को बतौर एक सिंगर कैरियर स्टार्ट करने में पूरी मदद की। लता जी ने पहली बार एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन अफसोस इस बात का था कि उनका यह गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया। हालांकि लता जी निराश ना होकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने की पहली मंगल ग्वार नाम के एक मराठी मूवी में सुनी गई। और उसके अगले साल उन्होंने एक गाना गाया जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बादल दे तू। और जब लता जी को लगने लगा कि इस फील्ड में वो सफल हो सकती हैं, तो 1945 में वो पूरी तरह से मुंबई आकर रहने लगी। और यहाँ आने के बाद वो अपनी स्किल इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से म्यूजिक सीखा। इन सब के बीच उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। गुलाम हैदर ने ही लता जी को शशादर मुखर्जी नाम के प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिन्होंने लता जी के आवाज़ को यह कहकर नकार दिया कि वह बहुत पतली है। यह सुनकर गुलाम हैदर काफ़ी गुस्सा भी हुए थे। लता जी को सबसे बड़ी सफलता 1948 में मिली, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और ये गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद सारे म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करने का सपना देखते थे, और आगे चलकर लता जी ने नौशाद अली, शंकर, एसडी बर्मन, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, और अपनी आवाज़ से बहुत जल्द लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन काफ़ी बढ़ चुके थे, और इसलिए 1962 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यह पता लगा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था,
और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आदमी उनका कुक था जो भागने में कामयाब रहा। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद लता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और फिर से 27 जनवरी 1963 को वो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई और ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। और कहते हैं इस गाना को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। और आगे चल के संगीत में लता जी को योगदान के लिए पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और भारत रत्न जैसे बड़े बड़े सम्मान मिले। और ये सारे अवार्ड ही लता जी के सफलता के कहानी बताते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे देश को लता जी पर गर्व है। लता जी की कहानी जानकर कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।